हेलो दोस्तों, वी आर क्वेयर की अनोखी दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्पोर्ट्स टीचर के साथ प्यार और मोहब्बत की स्टोरी का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। इसका पहला पार्ट भी काफी मजेदार है दोस्तों, अगर नहीं देखा तो अभी जा करके देखें। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए और ज्यादा देरी नहीं करते और स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने पिछले पार्ट में जाना कि कैसे वैभव सर को अतुल के स्कूल प्रैक्टिस के लिए नहीं आने पर चिंता होने लगती है और जब कॉल पर भी बात नहीं हो पाती तो वैभव सर अपनी कार लेकर के सीधे अतुल से मिलने उसके घर पर चले जाते हैं। वैभव सर को अपने घर पर आया देख अतुल से कंट्रोल नहीं होता और वो अपने मन की बात वैभव सर से कह देता है कि वो भी उनसे बहुत प्यार करता है और वैभव सर को गले से लगाकर उन्हें अच्छा महसूस कराने लगता है। वैभव सर ने दरवाजा खुला छोड़ दिया था और एक दूसरे से लिपटे हुए थे, कपड़े फर्श पर थे और अचानक अतुल के पापा ने उन दोनों को सब कुछ करते देख लिया और वो बिल्कुल दंग रह गए। ये सब देखकर उन्होंने सर पकड़ लिया और वैभव सर को दो थप्पड़ जड़ दिया। अतुल ने कहा कि पापा, इनकी गलती नहीं है, इन पर हाथ मत उठाइए। तब अतुल को चुप करवाते हुए खींचते हुए उसके कमरे में ले जाकर उन्होंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और वैभव सर से कहा कि ये करते हो तुम, अपने स्टूडेंट्स के साथ शर्म नहीं आती है तुम्हें? तुझे कोई लड़की नहीं मिली थी ये सब करने के लिए? ये अप्राकृतिक कृत्य है, ये एक पाप है। छी, मुझे घृणा आती है तुम जैसे लोगों से। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे जैसा टीचर भी ऐसी नीची हरकत कर सकता है। जेल तो तुम्हें भिजवा कर रहूंगा। मेरे इकलौते बेटे को तुमने बर्बाद कर दिया है, उसे भटका दिया तुमने। वैभव सर ने समझाने की कोशिश की पर अतुल के पापा कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे। वैभव सर ने कार स्टार्ट किया और वो घर चले गए। उन्होंने बहुत कोशिश की अतुल के पापा से बात करने की पर उस वक्त मानो अतुल के पापा किसी की कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे। अगले दिन स्कूल से वैभव सर को निकाल दिया गया था और वैभव सर पर पुलिस कंप्लेंट हो गई थी। वैभव सर हर तरीके से जूझ रहे थे। अतुल के पापा ने अपना सारा गुस्सा निकाला और वैभव सर का नाम भी खराब हुआ था, जॉब भी हाथ से उनके चली गई थी, पूरा करियर खराब हो गया था। अतुल के पापा ने अतुल को समझाने की कोशिश की कि ये सब गलत है बेटा, तुम्हारी माँ जिंदा होती तो ये सब देखती सुनती तो शायद जीते जी मर जाती। अतुल ने कहा कि मैं हमेशा से वैभव सर को पसंद करते आया हूँ और वो भी मुझसे प्यार करते हैं। पापा, हमारा प्यार सिर्फ संबंध तक नहीं है और ये कुछ गंदा नहीं है, ये सिर्फ आपके दिमाग का वहम है। आप समझिए, आपको दिखाई नहीं देता कि हम दोनों कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। अतुल के पापा कहते हैं कि तू ऐसा कभी नहीं था बेटा। अतुल कहता है कि पापा, मैं ऐसा ही था, बस आपको समझ ही नहीं आया कभी, पर अब मैं बच्चा नहीं हूं पापा, 18 साल का हो चुका हूं। अपने सर के खिलाफ केस करके अच्छा नहीं किया आपने, मेरे सर बहुत अच्छे हैं, मैं उनसे प्यार करता हूं और उन्हें अब दुखी नहीं देख सकता और ना ही उनको जॉब से निकलवा कर उनकी जॉब छीन कर आपने ठीक किया है, मुझसे कहीं ज्यादा गलत किया है आपने। अतुल के पापा ने अतुल से उसका मोबाइल छीन रखा था और अतुल चाह कर भी वैभव सर से बात नहीं कर सकता था। अतुल के पापा ने कहा कि तेरा ब्रेन वॉश हुआ है, तेरा इलाज कोई डॉक्टर ही कर सकता है। मैं तो तुझे समझा समझा कर थक गया, मैं अपने इकलौते बेटे को ऐसे खो नहीं सकता। अब हर दिन अतुल के पापा जॉब से छुट्टियां लेकर ऐसे डॉक्टर्स के पास जाते जो ये दावा करते कि वो किसी का भी ओरिएंटेशन बदल सकते हैं। कई सारे मनोरोग विशेषज्ञ के पास अतुल के पापा को जाना पड़ा और उनसे मिलना पड़ा। जितने भी मनोरोग विशेषज्ञ थे सभी कोई ना कोई उम्मीद दे रहे थे, कई लोगों से दिखवाया गया। वैभव सर बहुत बार अतुल से मिलने की रिक्वेस्ट लेकर आते थे पर अतुल के पापा पुलिस को कॉल करके शिकायत कर देते थे। अब वैभव सर चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, बहुत मजबूर थे। वैभव सर की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी, उन्हें कॉल्स आते और गालियां सुननी पड़ती थी, पर किस्मत बस इतनी अच्छी थी कि वैभव सर के मकान मालिक कनाडा में रहते थे और काफी अवेयर थे वो, उनके अंदर एक्सेप्टेंस थी और जब उनको सोसाइटी वालों ने
वैभव सर को निकलवाने की शिकायत की, तब वैभव सर के मकान मालिक ने वैभव सर का सपोर्ट किया। वैभव सर की याद में अतुल ने खाना पीना सब कुछ छोड़ रखा था। अतुल के पापा ने किसी भी बात से अतुल का मन नहीं, मतलब अतुल के जो पापा थे वो अतुल के किसी भी बात से सहमत नहीं थे, उनका मन नहीं बदल रहा था। अतुल के पापा को कहीं से कन्वर्जन थेरेपी के बारे में पता चला, क्योंकि उन्हें इतनी चिंता थी कि वो हर तरीके से अपने बेटे को बस ठीक करना चाहते थे। वो हर तरीके से पता लगवा रहे थे कि इसका इलाज क्या है, और वो 100% गारंटी दे रहे थे जो कन्वर्जन थेरेपी करा रहे थे। वो ये कह रहे थे कि सोच बदल देंगे अतुल की, फीलिंग्स लड़कियों के लिए हो जाएगी, हम गारंटी देते हैं 100% हम ठीक कर देंगे आपके बेटे अतुल को। तब अतुल के पापा ने अपने बेटे को 10 दिन के लिए फर्स्ट ट्रायल में अच्छी खासी रकम देकर के क्लिनिक में भेज दिया, और अपने बेटे को ठीक हो जाने की उम्मीद में उनके भरोसे छोड़ दिया। अब अतुल को भूखा रखा जाता था, इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते, लड़कियों के वीडियोज दिखाए जाते, पाप क्या है, पुण्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसमें हमेशा होमोसेक्सुअलिटी को गलत दिखाया जाता। इलेक्ट्रिक शॉक से अतुल को बहुत दर्द होता था, और एक दिन अतुल की हालत बहुत खराब हो गई। उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया और वो बेहोश हो गया। दोस्तों, आगे क्या हुआ हम इसके नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, जो कि इस स्टोरी का थर्ड पार्ट होगा। तो आपको स्टोरी कैसी लग रही है प्लीज नीचे बताइए, और स्टोरी को जितना हो सके हमारे कम्युनिटी के और भी लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि हम हर एक कहानी में कोई ना कोई मैसेज देने की कोशिश करते हैं। और किसी भी स्टोरी को अगर सोसाइटी में कोई मैसेज पहुंच रहा है तो किसी भी स्टोरी को शेयर करने में भला दिक्कत ही क्या है। तो आप इस स्टोरी को प्लीज अपना प्यार दीजिए, और कम्युनिटी के लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए, क्योंकि आप मेरी मदद करेंगे तो ये मदद आपकी भी होगी। तो चलिए दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि आप स्टोरी को प्यार देंगे और इसका पहला पार्ट भी जरूर देखेंगे, नए होंगे तो सब्सक्राइब भी करेंगे। आज के लिए तो फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। लव इज लव।